नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम गांव किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम में खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं, मुलाकात करवाते हैं आपसे हमारे कामयाब किसानों की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी कुछ ऐसी ही जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं हमारे तीनों सेगमेंट्स, खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान के जरिए। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक अनूठी पहल की गई है, एक अभियान की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। जी हाँ, 25 से 30 अप्रैल तक ये मनाया जा रहा है और 6 दिवसीय अभियान के तहत क्या किया जा रहा है, हमारे किसानों को जागरूक किया जा रहा है। हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएँ चल रही हैं उनके प्रति किस तरह से हमारे किसान इनसे जुड़ सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, इन तमाम को हमारे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। जरिया है वेबिनार्स और साथ ही साथ कार्यशाला और कृषि मेलों का भी यहां आयोजन किया जा रहा है। आइए, क्या कुछ खास है इस अभियान में, जानने के लिए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का 75वां वर्ष आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में जन भागीदारी के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, कृषि अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग जैसी अनेक योजनाएं और आर्थिक सुविधाएं शामिल हैं। बीते 6-7 साल में बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए हैं। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, पीएम किसान सम्मान निधि से लेकर लागत का 1.5 गुना एमएसपी करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए हैं। अन्नदाता को सशक्त बनाने तथा उनकी बुनियादी जरूरतों को समझते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की, जिसके तहत प्रत्येक किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 समान किश्त में, यानी प्रत्येक 4 माह पर 2,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना का पूरा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के आरंभ से अब तक 11 करोड़ 30 लाख से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में सीधे 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि विभिन्न किश्तों के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने तथा उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के उद्देश्य से 1,00,000 करोड़ रुपए की कृषि अवसंरचना कोष की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर सरकारी गारंटी एवं ब्याज में 3% की छूट का प्रावधान है। किसान भाई बहन, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां एवं स्वयं सहायता समूह एवं कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठाते हुए प्राथमिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, सेलोज, छटनी ग्रेडिंग इकाइयों का निर्माण कर सकते हैं। ऐसी ही अनेक योजनाओं से किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक जोखिमों की स्थिति में किसानों को उनकी फसल का सस्ता बीमा प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन के तहत किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक मजबूती और बाजार से जुड़ाव के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठनों यानी FPOs का गठन किया जा रहा है। ई नाम के माध्यम से किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत प्रति बूंद अधिक फसल के लिए सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से फसल संरक्षण तथा फसलों पर पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए मौजूदा कस्टम हायरिंग सेंटर्स द्वारा ड्रोन तथा संबंधित सामानों पर मूल लागत का 40% या 4,00,000 रुपए जो भी कम हो वित्तीय सहायता का प्रावधान है। किसान भाई बहन अब नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर उन्नत खेती कर सकते हैं। सभी कृषि योजनाओं और सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रयोग करने के लिए किसान सुविधा ऐप तैयार किया गया है तथा ये सुविधा ऐप देश की विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। अन्नदाताओं के परिश्रम का सम्मान करते हुए इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 के दौरान किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान को एक जन उत्सव के रूप में मना रहा है। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। तो जाना आपने इस अभियान के बारे में, अब आप भी इससे जुड़िए और इसे एक सफल अभियान जरूर बनाइए। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट खेती किसानी पर, जिसमें आज बात होगी बागवानी के बारे में। हमारे देश का किसान अब बागवान हो रहा है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है और इसमें उसे सहयोग मिल रहा है हमारे देश की सरकार का। जी हाँ, कई अनूठी पहल इस दिशा में की गई हैं और उन्हीं में से एक है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। और बता दें आपको, हाल ही में जो अभियान चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इसके जरिए भी इस मिशन की जानकारियाँ हमारे किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। तो फिर आइए हम भी आपको बताते हैं क्या है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। कृषि हमारे देश की आर्थिक उन्नति का आधार है और सरकार के प्रयास इस आधार को और मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। कृषि फसलों में सरकार की कई योजनाएं हैं जो किसानों को लगातार लाभ दे रही है। किसानी का क्षेत्र उपेक्षित क्षेत्र रहा है और सामान्यतः यह भी कोशिश रही है कि यह क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा अनुदानों पर जीवित रहे, लेकिन अनुदान भी आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार चाहे फर्टिलाइज़र ले हो तो 2,00,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है, बीज हो, बिजली हो, सिंचाई की योजनाएं हो, खेती के क्षेत्र में केंद्र और राज्य मिलकर तमाम सारी सब्सिडी देते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सब्सिडी भी मिले लेकिन किसान आत्मनिर्भर भी बने, और इसके लिए ज़रूरी है कि किसान को नई नई टेक्नोलॉजी मिले, नई नई तकनीक का समर्थन उसे मिले, वो फसलों को परिवर्तित करे, फसल विविधीकरण की ओर जाए, महंगी फसलों का उत्पादन करे, उत्पादन की गुणवत्ता उसकी इतनी अच्छी हो कि दुनिया के मानकों के बाजार में वह ठहर सके, अपने उत्पादन का अच्छे से एक्सपोर्ट कर सके, वाजिब दाम प्राप्त कर सके। यह निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है और इस आवश्यकता को पूर्त करने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। समय के साथ अब किसान बागवानी फसलों की तरफ भी बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसमें और इजाफा करने और किसानों को वाजिब मुनाफा दिलाने के उद्देश्य से एकीकृत बागवानी मिशन की शुरुआत की गई। एकीकृत बागवानी विकास मिशन से मतलब है फलों, सब्जियों, जड़ कंद फसलों, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस आदि के उत्पादन और उत्पादों का विकास करना, साथ ही इनसे बने उत्पादों का विकास करना और उपभोग को बढ़ावा देना भी इस मिशन का उद्देश्य है। वहीं एकीकृत बागवानी विकास मिशन का किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए किस क्षेत्र में कौन सी फसल बेहतर ढंग से ली जा सकती है, इसके संबंध में किसानों को जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिससे किसान या बागवान कम से कम खर्च और सीमित संसाधन में बेहतर उपज पा सके। प्रशिक्षण में किसानों को प्रचलित फसलों से हटकर खेती करना सिखाया जाता है, जिसमें तकनीकी जानकारी के साथ साथ क्षेत्र विशेष के हिसाब से छोटी जानकारी शामिल होती है। योजना कितनी सफल है और उत्पादन में क्या कुछ इजाफा देखा जा रहा है, जानते हैं आंकड़ों से। वर्ष 2020-21 के अंतिम अग्रिम अनुमान।
2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 334.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 2019-20 में कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 14.13 मिलियन टन यानी 4.4% अधिक है। फलों का उत्पादन 2019-20 में प्राप्त 102.08 मिलियन टन की तुलना में 102.48 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन पिछले वर्ष के 188.28 मिलियन टन की तुलना में 200.45 मिलियन टन होने का अनुमान है, यानी 6.5% की वृद्धि। 2019-20 में 26.09 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले प्याज का उत्पादन 26.64 मिलियन टन होने का अनुमान है। आलू का उत्पादन 2020-21 में 56.17 मिलियन टन के रिकॉर्ड उत्पादन का अनुमान है, जो 2019-20 में आलू उत्पादन की तुलना में 7.61 मिलियन टन अधिक है। टमाटर का उत्पादन 21.18 मिलियन टन होने की सूचना है, जबकि 2019-20 में 20.55 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। सुगंधित और औषधीय फसलों में 12.4% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2019-20 में 0.73 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 0.83 मिलियन टन हो गई है। रोपण फसलों का उत्पादन 2019-20 में 16.12 मिलियन टन की तुलना में 2020-21 में बढ़कर 16.63 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन 9.7% बढ़ा है, जो 2019-20 में 10.14 मिलियन टन से बढ़कर 2020-21 में 11.12 मिलियन टन हो गया है। वहीं वर्ष 2021-22 के प्रथम अग्रिम अनुमान पर नजर डाले तो 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 333.3 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2020-21 यानी अंतिम की तुलना में लगभग 1.35 मिलियन टन यानी 0.4% की कमी कम है। पिछले वर्ष की तुलना में फलों के उत्पादन में वृद्धि, जबकि सब्जियों, मसालों, फूलों के सुगंधित और औषधीय पौधों, रोपण फसलों के उत्पादन में कमी की परिकल्पना की गई है। फलों का उत्पादन 2020-21 में 102.5 मिलियन टन की तुलना में 102.9 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन 2020-21 में 200.4 मिलियन टन की तुलना में 199.9 मिलियन टन होने का अनुमान है। प्याज का उत्पादन 2020-21 में 26.6 मिलियन टन के मुकाबले 31.1 मिलियन टन होने का अनुमान है। इस तरह से देखा जाए तो आंकड़े बेहद सुखद संदेश दे रहे हैं, जो आने वाले समय में किसानों को बेहतर लाभ देने में कारगर साबित होंगे। इस योजना से मुखातिब कराने के लिए सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी में विशेषज्ञ देंगे बेहतर जानकारी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे हमारा अगला सेगमेंट, हमारा पशुधन। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौट आया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। फोरस, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें आज बात होगी मछली पालन के बारे में। मछली पालन आप करते होंगे, इससे अच्छा लाभ भी ले रहे होंगे, लेकिन जरूरत हो जाती है कि इसमें जो आधुनिक बदलाव हो रहे हैं उसकी जानकारी भी हो सके। हमारी सरकार द्वारा जितने अहम कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में भी तो जानकारी होना जरूरी है, और ये हम भी आप तक पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ जो अभियान चलाया जा रहा है किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इसके जरिए भी मछली पालन से जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं, कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में भी हमारे किसानों को या फिर कहें मछली पालकों को जागरूक किया जा रहा है। आइए इसके बारे में हम भी आपको बताते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए।
बढ़ती जनसंख्या की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्य उत्पादन भी उसी रफ्तार से करना जरूरी है। ये जरूरत ही हमारे सामने रोजगार के विकल्प खोलती है और मत्स्य उत्पादन इन जरूरतों में टिकाऊ समाधान दे सकता है। हाल ही में मत्स्य पालन क्षेत्र को सनराइज सेक्टर के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इसने 2014-15 से लेकर अब तक शानदार रूप से 2 अंकों वाली 10.87% औसत वार्षिक वृद्धि दर हासिल कर ली है। ये क्षेत्र वित्तीय वर्ष 2019-20 में 142 लाख टन के रिकॉर्ड मछली उत्पादन तक पहुंच गया है और इसमें विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके अलावा इसने भारत में 28 मिलियन से ज्यादा लोगों की आजीविका को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। विशेष रूप से वंचित और कमजोर समुदाय के लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय बजट 2022-23 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के लिए 6,407 करोड़ 31 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। ये मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के बजट आवंटन में 44% की वृद्धि को बताता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है, जिसका योगदान वैश्विक उत्पादन में 7.56% है और ये देश के सकल मूल्य वर्धित में करीब 1.24% और कृषि जीवीए में 7.28% से ज्यादा का योगदान करता है। मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों लोगों के लिए भोजन, पोषण, आय और आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। वर्ष 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन क्षेत्र में निर्यात से प्राप्त आय 46,662 करोड़ 85 लाख रुपए रही है। ये क्षेत्र प्राथमिक स्तर पर लगभग 280 लाख लोगों को आजीविका देने में सहायता करता है और मूल्य श्रृंखला के साथ इनकी संख्या 2 गुनी है। वहीं पिछले कुछ वर्षों में मत्स्य पालन क्षेत्र में वार्षिक औसत वृद्धि दर 7% रही है। मछली प्रोटीन का एक सस्ता और समृद्ध स्रोत है, जिसके कारण ये भूखमरी और पोषक तत्वों की कमी को कम करने के लिए सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है। इस क्षेत्र में अपने निर्यात को 2 गुना करने की अपार संभावनाएं हैं और ये जरूरी है कि लगातार जिम्मेदारी के साथ समावेशी और न्यायसंगत रूप से इसके विकास में तेजी लाने के लिए नीति और वित्तीय सहायता के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें सरकार तो अपनी भूमिका निभा ही रही है। सरकार ने मछली पालन के विकास के लिए बड़ी कवायद करते हुए मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अनुमानित लागत 20,050 करोड़ रुपए है। इस योजना से मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, मछली विक्रेताओं और अन्य हितधारकों को फायदा हो रहा है। मौजूदा समय में युवा व मछली पालक इसे उन क्षेत्रों में भी सफलतापूर्वक कर रहे हैं, पहले जहां इनका पालन ना के बराबर था। देसी प्रजातियों का चयन करके कम समय और कम लागत में इस व्यवसाय से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। शुरुआती दौर में रोहू, कतला, मृगल प्रजाति की देसी मछलियों को पाला जा सकता है, क्योंकि इन मछलियों का बीज कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। इसके साथ ही इन प्रजातियों की मछलियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इनके भोजन के प्रबंध पर अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है और बहुत आसानी से पाली जा सकती है। इस तरह देखा जाए तो मछली पालन व्यवसाय भारत में बेहद अच्छी स्थिति में है। इसके बावजूद इसमें बेहतर मुनाफा कमाने की अपार संभावनाएं हैं। मौजूदा स्थितियां देश में इस व्यवसाय को और आगे ले जाने में कारगर साबित होंगी। वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। इस समय किस तरह से आप अपने पशुओं की देखभाल कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो फिर आइए नजर डालें इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। पशुओं को HS एवं BQ रोग से बचाव का टीका अवश्य लगवाएं। इस माह में अधिक गर्मी की संभावना रहती है। पशुओं में जल व लवण की कमी, भूख कम होना एवं कम उत्पादन के लक्षण आ सकते हैं। ऐसे में पशु को तापमान से बचाने का इंतजाम करें। पशुओं को दोपहर में छाया एवं हवादार स्थान पर रखें। पशुओं को दिन में कम से कम 4 बार पानी पिलाएं। गाभिन पशुओं को अतिरिक्त आहार दें एवं ब्याने वाले पशुओं को प्रसूति बुखार से बचाने के लिए 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण नियमित रूप से दें। भेड़ के मेमनों में भेड़ चेचक एवं एंट्रोटॉक्सिमिया का टीका पशु चिकित्सक की सलाह से जरूर लगवाएं। गोपालक फार्म की सफाई पर विशेष ध्यान दें। आवास को सूखा एवं स्वच्छ रखें।
मुर्गियों में कृमिनाशक दवा का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से अवश्य करें। साथ ही पानी की समुचित व्यवस्था रखें। पशुओं को बाह्य परजीवी से बचाने के लिए पशु चिकित्सक की सलाह से दवा का छिड़काव नियमित रूप से करें। पशुओं को अंतर परजीवी नाशक दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। पशुओं को संक्रामक रोग जैसे गलघोंटू, ब्लैक वाटर के रोगरोधी टीके समय पर लगवाएं। इस मौसम में पशुओं में फास्फोरस की कमी के कारण पायका के लक्षण नजर आने लगते हैं, जिससे पशु मूत्र पीने, मिट्टी चाटने लगते हैं। बचाव के लिए पशुओं को खनिज लवण मिश्रण अवश्य दें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन सभी संतुलित मात्रा में प्राप्त करने के लिए पशुपालक एजोला घास का उपयोग करें। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे कामयाब किसान से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के परिवेश में अब बदलाव हो रहा है। पारंपरिक खेती में हमारे जो किसान हैं आधुनिक तरीकों को अपना रहे हैं और इसे अपने लिए फायदेमंद बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे किसानों का रुझान बढ़ रहा है प्राकृतिक खेती की ओर। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि प्राकृतिक खेती को अपनाइए और इसे अपने लिए फायदेमंद बनाइए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारे कुछ किसानों ने। तो फिर आइए कामयाब किसान की दास्तान में ऐसे ही कुछ किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आधुनिकता की दौड़ में ज्यादातर किसान रासायनिक खेती से क्षणिक लाभ लेकर नुकसान का सामना कर रहे हैं। रासायनिक खेती से सेहत व पर्यावरण पर दूरगामी नकारात्मक असर भी देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि किसान एक बार फिर प्राकृतिक और जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती से प्रकृति से सीधा तालमेल बिठाना आसान होता है। इससे खेती में आ रही कमियां दूर होती हैं और फसल में अच्छा खासा इजाफा मिलता है। सीकर के किसान बाबूलाल जी प्राकृतिक खेती करके अपने खेत की तकदीर बदलने में दिन रात प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि बाबूलाल जी भी सीकर के बाकी किसानों की तरह पहले परंपरागत खेती किया करते थे, जिसमें सामान्य तरीके से खाद और उर्वरक का इस्तेमाल होता था, लेकिन उत्पादन में मिल रही कमी उन्हें प्राकृतिक खेती की तरफ ले आई। वो बताते हैं कि पिछले 4 साल से वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में खाद और कीटनाशक मिलता रहे, इसके लिए बाबूलाल जी ने 4 देसी गाय भी पाल रखी है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में बाबूलाल जी कैसे सफल खेती कर रहे हैं और पानी की मुश्किलों को कैसे आसान बना रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। तो जैविक खेती के बारे में सुना ऐसे लोगों से, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमने को विचार है कि अपन भी खेती करेंगे। तो मैंने ऐसे बाजार ट्रस्ट की तरफ से थोड़ा उनसे मिला, उन्होंने मेरे को ऐसा कुछ बताया कि ऐसा करो, और तो इस हिसाब से मैंने धीरे धीरे जीवामृत, घन जीवामृत, 10 परनियर वगैरह बनाना काम चालू किया। अभी क्या, मैं 4 साल से खेती कर रहा हूँ। उन्होंने, मैंने 4 साल से कुछ भी नहीं डाला, खाली जीवामृत, घन जीवामृत और यही सब डाल के बना रहे हैं। बढ़िया रिजल्ट आ रहा है और उनकी तरफ से हमारे को क्या प्रोत्साहन राशि भी मिल रही है। धीरे धीरे ड्रिप इरीग्रेशन के बारे में, ड्रिप लगाया तो उसमें कुछ सहयोग मिला। राजस्थान में ऐसे पानी की, यहाँ सूखा है रहता है, तो पानी की जो उसमें क्या बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत उसके हिसाब से। और फिर क्या, वो बोला कि अपने देसी खेती करते हैं तो गाय चाहिए, तो हमने क्या वो गिर गाय खरीदी। अभी हमारे पास 3-4 गायें हैं, तो उनसे हम क्या देसी गाय से, गोबर से, गौमूत्र से उनको इकट्ठा करते हैं, उनसे जीवामृत, घन जीवामृत
दस प्रणियारक वगैरह सब बनाते हैं और तुरंत फुरुत खाद जो अपने हुमस इसके लिए बनाते हैं, जड़ों के लिए बनाते हैं और इसमें बढ़िया रिजल्ट है। जो भी खाते हैं अपन तो अपन को भी शुद्ध मिलता है, गायों के लिए चारा शुद्ध मिलता है, तो उनसे क्या एक नई सिस्टम से अपना काम हो रहा है, नई तकनीक और नई पद्धति से अपना ऐसा हो रहा है और इसमें रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आ रहा है। और बाबूलाल जी मानते हैं कि प्राकृतिक खेती से हमें मिलने वाली उपज शुद्ध और सेहतमंद होती है, जिससे मिलने वाला पशु आहार भी शुद्ध होता है जो पशुओं की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। खुले खेत में खेती के साथ साथ बाबूलाल जी पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, जिसमें वो टमाटर और खीरे की फसलें लेते हैं। इसके अलावा उनके खेतों में नींबू वर्गीय पौधे, गोभी वर्गीय सब्जियां, तरबूज, टमाटर जैसी फसलें लगी हुई है। प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई फसलों का उन्हें बाजार दाम भी अच्छा मिलता है। वो कहते हैं कि उनकी उपज के लिए उन्हें ग्राहक नहीं तलाशने होते, क्योंकि उपज की गुणवत्ता ग्राहकों को खुद उनके खेत तक ले आती है। सब्जी लगाने का तो ऐसे अपन बढ़िया उसके भाव में ऊंची रेट में बिक जाती है, अपना माल बिल्कुल लंबे टाइम तक 2-3 दिन तक खराब नहीं होता है। उसी हिसाब से कि जैविक के रासायनिक वगैरह 2 दिन में सड़ जाते हैं सब्जी वगैरह, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है और अपने क्या है तुरंत बिक जाते हैं। ऐसे माल भी गिराएगी भी अपने कहते हैं यार आपकी चीज़ बहुत अच्छी है, हमको आपका माल ही चाहिए, उसी हिसाब से वो भी ले देते हैं। मंडी में अपने भाव तेज रहते हैं, 1-2 रुपया सबसे अलग बिकते हैं और क्वालिटी के हिसाब से भी सब टेस्ट वगैरह भी सब अच्छे होते हैं, अपने आप बिक जाते हैं। सलाह क्या देंगे किसानों को? किसानों को सलाह यही देंगे कि आगे चल के अपन को जैविक खेती की तरफ चलो सब, और वैसे भी करना है, इतनी बीमारियां वगैरह फैल रही है तो उसके हिसाब से अपन को अपने स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है, तो जैविक खेती अपनाओ। बाबूलाल जी जैसे किसान प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाकर अपने खेत में ही नहीं बल्कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये थे हमारे आज के कामयाब किसान। उम्मीद करते हैं कि इनकी कामयाबी को देखकर आप भी इनसे ज़रूर प्रेरित होंगे और हमारी सरकार द्वारा जितने भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं, उनसे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी आपको फिर से बता दें कि किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान चल रहा है, इससे आप भी जुड़ सकते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करके इसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, इस अभियान को सफल भी बना सकते हैं। साथ ही आपको बता दें पुनः ये जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। बस इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत और चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ अहम जानकारियों के साथ। नमस्कार। किसान की भागीदारी प्राथमिकता हमारी। देश में 6,865 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन व संवर्धन। कृषि अवसंरचना कोष योजना के तहत 14,300 करोड़ के ऋण की 11,400 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सरकार का लक्ष्य है कि प्राकृतिक कृषि के तहत वर्ष 2025 तक 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार। प्राकृतिक कृषि के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान राज्यों को करीब 4,980 लाख का भुगतान किया गया।